आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर गाजर की सब्जी, और वो भी बिना घी या बिना तेल के। गाजर जो कि सर्दियों की सबकी ऑलमोस्ट फेवरेट सब्जी है, मार्केट में आनी शुरू हो चुकी है, तो चलिए आज इसे बनाते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने गाजर चॉप की है, साथ ही मटर ऐड किए हैं। इसे अच्छे से हम पानी से वॉश कर लेंगे और साथ ही इसमें हम आलू डाल देंगे चॉप करके। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको जिस तरह भी शेप के पसंद है, आप उस तरह के आलू इसमें कट करके डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक आलू ऐड किया है। अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे और जो ये पानी है उसको हम ड्रेन आउट कर देंगे। पैन को मैंने लो फ्लेम पे गरम कर लिया है, फ्लेम बिल्कुल भी तेज नहीं रखेंगे। चॉप प्याज ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो प्याज है वो साथ साथ भुनना शुरू हो जाए। इसे हिलाते रहेंगे, साथ ही इसमें हम जीरा ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि प्याज का जो कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो गया है। नमक ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और धनिया पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है, ताकि मसाले अच्छे से प्याज में मिक्स हो जाए। हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से जो मसाले हैं वो प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसे हम ढक के रख देंगे 2 से 3 मिनट। मसाले अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसमें आलू मटर गाजर जो हमने धो के रखी थी उसे ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। बहुत ही जल्दी ये सब्जी बनके तैयार होती है। हमारी आलू मटर गाजर की जो सब्जी है आप देख सकते हैं वो अच्छे से बनके तैयार हो गई है। आप इसे चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।